इस कार्य के लिए आदरणीय भाई को मैं
राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, राजनीति में भी एक सेवक की तरह से, संत की तरह से निर्लिप्तता के साथ में, पूरे दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए भी मैं परमात्मा से आपके मंगल के लिए और जीवन में गति, उन्नति और संशोध संकल्प की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज बहुत दिन के बाद हम यहाँ पर आए हैं, हमको तो हम तो हमेशा यहाँ पर होते हैं, कई बार आशीष भाई बुलाते हैं हम नहीं आ पाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दिव्य प्रेम सेवा विषय में उपस्थित नहीं होते हैं, हम यही होते हैं। आदरणीय भाई संजय जी भी कई बार उनका प्रेम हमेशा रहता है, वो तो मौका मिलते हैं कि हमारे पास पहुँचते नहीं है। तो शेय स्वामी जी ने हमने मिलकर के जो पतंजलि की गतिविधियों को और इधर इस दिव्य प्रेम की उत्पत्ति, आप सब जानते हैं कि हमारी गति भी, भौतिक की गति भी लगभग साथ साथ में है, हमारी मति भी साथ साथ में है, हमारी वैचारिक भावनाएं और संवेदनाएं भी साथ साथ हैं, तो हम सर्वभिन्न रूप में साथ में हैं, क्योंकि जो साथ की शक्ति होती है वह बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो हमारी ऐक्य को परमात्मा हमेशा ही बल प्रदान करते हैं। उस ऐक्य के माध्यम से कोई किसी तरह से स्वार्थ साधना नहीं, पाठ का आराधना लक्ष्य है। तो ये सब कार्यों से आप सब देखिए, परमात्मा को हर पल हर क्षण वो हमको दे रहे हैं, परमात्मा की दर पर कोई कमी नहीं है, बस पात्रता की आवश्यकता है। तो प्रभु से इसकी चाहना कभी मत करना कि भगवान हमको ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, और कभी शिकायत भी मत करना कि तुमने यह नहीं दिया, ऐसा हमको नहीं मिला, कभी भी मत करना, बस एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु बस मुझे पात्र बना दे, मेरे अंदर पात्रता आ जाए, मेरे अंदर पात्रता आ जाए, तो वह तो हर पल अमृत वर्षा है, वह बूंदे हमारे पात्र में अवश्य आएंगी। तो आप सबको पुनः इस पवित्र दिव्येश्वर महेश्वराय च।